खबर 24 लाइव न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक पटेल खबर 24 लाइव न्यूज से। आज मैं मड़ियाहा विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक भावी प्रत्याशी आनंद दुबे जी यहाँ पे मौजूद है इस समय और ये अपना दल यश से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आइए इनसे हम पहले कुछ पूछते हैं कि इनके चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे, किस पर्पस के लिए इस समय मैदान उतरने जा रहे हैं मड़ियाहा विधानसभा में। आइए इनसे पहले इनसे रूबरू होते हैं। पहले सर अपना खुद इनसे परिचय पूछते हैं। सर अपना परिचय बताएं पहले। अभिषेक जी धन्यवाद भैया। आनंद कुमार दुबे, मड़ियाहा विधानसभा 307। ये बताइए सर, इस बार जो आप चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप भी मैदान में उतरने वाले हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे मड़ियाहा विधानसभा की जनता को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, किस मुद्दे पे आप चुनाव इस बार लड़ेंगे उसके बारे में? मड़ियाहा विधानसभा का चौतरफा विकास करेंगे, उसमें प्रमुख जैसे सड़कें हैं हमारे जी, मड़ियाहा विधानसभा में अभी तक जितनी भी सड़कें बनी हैं अछूता है, मतलब सब सड़क टूटी फूटी है, कहीं भी चलने के लायक स्थिति नहीं है, वो सब काम करवाएंगे। प्रथम मतलब जिस दिन भविष्य में अवसर मिला जी, प्रथम काम यही रहेगा सड़क का, पहले सड़क निर्माण का प्रथम कार्य रहेगा। और दूसरा कार्य बताएं क्या, और दूसरा कार्य क्या करेंगे आप? दूसरा कार्य क्षेत्र में जैसे अभी भी कहीं कहीं फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती है, बिजली वगैरह कहीं कहीं कोई गांव अछूता रह गया थी, वो सब गांव में बिजली की व्यवस्था, सड़क, पानी, पानी के लिए हमारे यहाँ एक आई है कंपनी, बोरिंग वगैरह का काम शुरू की है, उसमें जो उनका सहयोग हो सकेगा, कितना जल्दी काम करवाना है, खास काम करवा के पेयजल की व्यवस्था हर गाँव को, हर घर को टूटी की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था किया जाएगा। तो क्या लगता है सर, ये बताइए, इस बार चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, सारी पार्टियां बोलते हैं कि इस बार हम लोग पुरंदरी तो सपा हो गई, एक तरीके की तरफ से अपना दल गठबंधन है, तो क्या लगता है कि इस बार टक्कर लड़ाई रहेगी, कैसा रहेगा इस बार? क्या लगता है? आप पत्रकार हैं, आपको भी आइडिया है, सपा हो बसपा हो किसी भी पार्टी के पास मुद्दा नहीं जी, वो लोग खाली चिलमबाजी और ये सब 300 यूनिट बिजली फ्री वो फंसाल राज्य किए है, और अखिलेश जी हमारे प्रदेश के सबसे बड़े देश में सबसे बड़ा प्रदेश यूपी में जी एक मुख्यमंत्री रहे हैं, वो उनकी भाषा जो बोलते हैं टोपी मतलब ये आपका चिलम बाज ये सब एक मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। बाबा जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक पद पे बैठे हैं, उनकी एक गरिमा है, और वो भी विदेश से पढ़ के आए हैं अखिलेश जी भी, उनसे इस टाइप का भाषा का जनता में जैसे पढ़े लिखे वर्ग में ये अच्छी बात नहीं। उन्होंने जब राज किया उत्तर प्रदेश में, बिजली की व्यवस्था आप भी देखे हैं, मतलब सोने के बाद बिजली आती थी, वो भी शिफ्ट में जी जी, सोने के बाद बिजली आती थी और जागने से पहले चली जाती थी। हम लोग भी गांव में रहे हैं, गांव में आने की इच्छा नहीं करता था कि परिवार लेके कभी गांव में भी रहें, अगर रहे हैं तो जनरेटर चालू करके ये सब व्यवस्था थी। आज सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के सानिध्य में, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव में उतरे हैं, और जो भी कमी रह जाएगी उसको पूरा किया जाएगा। तो ये बताएं सर, इस बार क्या लगता है कि मड़ियाहा विधानसभा का सीट क्या बीजेपी खाते में जाएगी कि अपना दल खाते में, क्या लगता है? अपना दल में ही रहेगा, ये मतलब कंफर्म ये हो गया कि अपना दल इसको ही मिलना है। चलिए, और इधर सर कुछ लोग बोलते हैं महंगाई इस बार कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार, और उस पर क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या लगता है भविष्य में फिर चुनाव के बाद क्या यूपी सरकार अगर दोबारा बनाती है तो क्या महंगाई पे भी नियंत्रण हो सकता है कि नहीं? रहेगा, नियंत्रण रहेगा भैया। अभी आने वाले समय में जैसे अभी कोविड वगैरह को लेकर कुछ सरकार के ऊपर लोड बढ़ा है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल होगा ये सब महंगाई। आनंद जी बताइए कि ये भी सुना है कि आप बड़ा समाज सेवा करते हैं, मैंने देखा था अभी बाहर एक बस खड़ी हुई है, उससे मालूम बताते हैं कि निशुल्क आप ये विंध्याचल यात्रा, और सुना कुछ मुस्लिम वर्ग के लिए भी आपने कहीं भेजा था किसी मस्जिद पे, कहाँ पे, उसके बारे में कुछ जरा बताएं हमारे चैनल के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पे निशुल्क सेवा जो कर रहे हैं इस समय समाज के लिए, कहाँ कहाँ भेजने जा रहे हैं? विंध्यवासिनी में हमारा बहुत अटूट विश्वास है जी, और हम लोग भी एक सामान्य परिवार से रहे हैं, बचपन में हमने फेस किया है, कभी कभी इच्छा रहती थी नहीं जा पाते थे, कारण पैसा रहा है, तो भगवान ने अगर उस लायक हमको बनाया, कुछ सेवा भाव था तो हमने शुरू किया है। अभी प्रत्येक मंगलवार को हमारे आवास से जाता है यहाँ आनंद भवन से, इसके बाद गांव से जैसे कोई भी गांव का आदमी बोलता है भैया हमारे यहाँ 35 की संख्या है और बस खाली है, दो तीन दिन पहले नंबर दिया गया है, उस नंबर पे लोग फोन करके बताते हैं, अपना लिस्ट भेजते हैं 35 आदमी का हमारे यहाँ जाने के लिए रेडी है, तो उनके गांव से भी बस हम भेज रहे हैं विंध्यवासिनी धाम के लिए। ये अनवरत चलता रहेगा, ये चुनाव और ये सबसे कोई संबंध नहीं है, और ऐसी ही सेवा भाव आगे भी भविष्य में ऐसी बहुत सारी योजनाएं विधायक बनने के बाद लाएंगे क्षेत्र के लिए। अच्छा बताइए, मुस्लिम वर्ग के लिए आपने कुछ कहीं गाड़ियां वहां भी कहीं भेजी थी सुनने में? उनका कोई कंतिक शरीफ है जी मिर्जापुर में ही, एक पत्रकार बंधु है सादाब अंसारी,
वो भी गए थे माँ विंध्यवासिनी के धाम में, तो उन्होंने निवेदन किया था भैया हमारे यहाँ भी क्या सुविधा ये मिलेगी। हमने तुरंत कहा था कि आप जब भी ले जाना चाहें, यहाँ कोई मतलब हमारी सरकार की भी रीत नीति रही है भाजपा और अपना दल की कि सबको साथ लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, जिसके अंतर्गत 43 लाख आवास मिला है, उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग को लाभ मिला है। तो बताइए चुनाव जो इस बार आप अगर चुनाव टिकट आपको मिलता है तो चुनाव जब आप लड़ते हैं तो क्या लगता है दलित जो वर्ग का जो वो वोट बैंक है वो क्या लगता है कि क्या वो फिर बसपा की तरफ जाएगा या फिर, क्योंकि बहुत से आवाज जो वितरित हुए हैं इस बार, अन्य भी अनाज वितरित किए गए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार दलित वोट किधर जाएगा? भाजपा को लाभ मिलेगा, भाजपा को लाभ मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ देखिए इसमें आनंद जी दुबे जी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने पहली अच्छी बात इन्होंने बताई, निशुल्क जो हिंदू मुसलमान जहाँ पे होता है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को अलग करने की बात होती है, वहाँ पे हमारे तरह आनंद दुबे जी गाड़ियाँ चलाते हैं मुस्लिम वर्ग के लिए भी, जहाँ पे धर्म स्थान वहाँ भी जाती हैं गाड़ियाँ और हिंदू के जो धर्म स्थान है वहाँ भी गाड़ियाँ भेजते हैं। बहुत धन्यवाद आनंद जी आपसे यहाँ पे हमारे चैनल से आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।